नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले हैं पवन सिंह, और इनकी काबिलियत के लिए लोग इनको चाहते भी हैं। यूं तो पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और दर्शकों ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद भी की है। बस ऐसा मान लो कि पवन सिंह हर अभिनेत्री के साथ फिट बैठ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पवन सिंह के साथ काम कर चुकी भोजपुरी अभिनेत्री कृषा के बारे में बताएंगे कि आज वो कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। अगर आप भी इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पवन सिंह कृषा की जोड़ी के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कृषा का जन्म 7 जुलाई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वहीं इन्होंने अपनी प्यारी सी स्माइल से कई अभिनेताओं का दिल जीत लिया। उन्हीं में से एक अभिनेता थे पवन सिंह। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया था। वहीं पवन सिंह और कृषा ने एक साथ दो फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिन फिल्मों के नाम हैं डोली चढ़ के दुल्हन चली ससुराल और इंसाफ। इन दोनों फिल्मों में कृषा की जबरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, अगर बात करें कृषा की निजी लाइफ की तो कृषा एक पंजाबी फैमिली से आती है और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को लगभग 7 सालों से छोड़ चुकी हैं। आज कृषा के वक्त के साथ काफी ज्यादा कुछ बदल चुका है और भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए वो अलविदा कर चुकी हैं। तस्वीर में भी आप सब देख सकते हैं कि कितना बदल चुकी हैं कृषा। अब कृषा पंजाबी इंडस्ट्री में एज ए प्रोडक्शन हाउस काम कर रही हैं और वो अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आप भी जरूर बताइए कि पवन सिंह और कृषा की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट में जरूर बताइए कि उनकी कौन सी पसंदीदा फिल्में आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आप लोगों के बीच हम लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय हिंद। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस लॉकडाउन के भी दो पहलू हैं। नो डाउट कि हम इंसानों पे बहुत बड़ी त्रासदी है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्राइसिस है, और लॉकडाउन में तो जो नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाहाकार मच गया है, ये वो खाना ढिमकाना सब आपको पता ही है। बट इसका दूसरा पहलू भी है, जहाँ सरकार, वर्ल्ड की सरकार पोल्यूशन पे काम कर रही थी, अरबों खरबों रुपए खर्च होने वाले थे, उससे हम काफ़ी हद तक बच गए। और सिर्फ जो हमने इतने सालों से, सदियों से जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो धरती ने मतलब 30-40% उसको रिकवर कर लिया,